हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेकेसिक्री ब्लॉग्स। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए वीडियो में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप या आपके घर में कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करता है तो वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आपको किसी बड़े फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़े, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी पुलिस हमें किसी चेक पोस्ट या पेपर चेकिंग के लिए हमें रोकती है तो हमारे पास मोस्टली सारे पेपर अवेलेबल होते हैं, चाहे वो हमारी आरसी हो, चाहे हमारा इंश्योरेंस हो, चाहे हमारा लाइसेंस हो। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो अवॉइड करते हैं अपन करवाना, वो होता है पीयूसी सर्टिफिकेट, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। शहरों में तो लोग फिर भी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो गाँव में दूर दराज में जो मेरे दोस्त रहते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि गांव में ना तो पुलिस इतनी एक्टिव होती है और ना ही वहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए इतने बूथ्स अवेलेबल होते हैं, तो वो पीयूसी सर्टिफिकेट को अवॉइड करते हैं। लेकिन आप लोगों की ये छोटी सी लापरवाही अब आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पोल्यूशन का जो बढ़ता हुआ स्तर है उसे काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हाल ही में एक डिसीजन पास किया है, जिसके तहत अगर आपके पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो ना ही आपका इंश्योरेंस रिन्यू किया जाएगा, और इन केस दुर्भाग्यवश अगर आपकी गाड़ी की चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है और उस डेट पर आपका वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो दोस्तों आपको कोई कंपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी, जिससे आपको बहुत ही बड़े फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए आपके पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके पास लाइसेंस और गाड़ी के अन्य पेपर होना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आई डिसीजन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट से रिलेटेड सेंट्रलाइज पोर्टल बनने का डिसीजन लिया है, जिसके तहत अगर इनकेस आपकी गाड़ी के साथ आपके पीयूसी पेपर चोरी हो जाते हैं या आपका कोई लॉस हो जाता है, आपके पीयूसी सर्टिफिकेट कहीं खो जाते हैं उस डेट पर, तो पीयूसी सर्टिफिकेट के करते हुए दौरान जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उसको फीड करके आपका पीयूसी सर्टिफिकेट दोबारा जनरेट किया जा सकता है, जिससे आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आई डिसीजन के बाद IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को सर्कुलर जारी कर दिया है कि आप विदाउट पीयूसी से वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना कोई इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करेंगे। हालांकि क्लेम से रिलेटेड जो क्लोज है उनको अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो किसी भी डेट को उसे लागू कर सकती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑलवेज राइट सेफ, अपने पेपर्स पूरे रखें। जय हिंद, जय भारत।